हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है फर्स्ट क्लास की व्याकरण की किताब में, जिसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने आज देखा था एक मंत्री जी आए हुए थे, बहुत सारे लोग मंत्री जी का भाषण सुन रहे थे, ठीक है ना, बहुत सारे लोग मंत्री जी का भाषण सुन रहे थे। तो अब इसी बात को, जैसे इतनी बड़ी बात थी, मैं कुछ शॉर्ट में कहूंगा आपसे कि मंत्री जी आए थे, बहुत सारे श्रोतागण उनकी बातें सुन रहे थे। क्या कर दी हमने? शॉर्ट कर दी, यानी कि उसमें जो बीच में बहुत सारे शब्द थे ना, कि अनेक व्यक्ति उनकी बातें सुन रहे थे, उनकी जगह हमने एक शब्द श्रोतागण का इस्तेमाल कर दिया। तो आज वही हम पढ़ने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सारे शब्दों की जगह पर क्या करना हमें यूज, एक शब्द का प्रयोग करना है, उसे ही हम क्या कहेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बहुत सारे शब्दों को हटाओ, उसकी जगह एक लगा दो, क्या हो जाए, वाक्य भी छोटा हो जाएगा और सुंदरता बढ़ जाएगी, ठीक है ना। कह रहा है शब्द समूह जो कभी ना मरने वाला हो। कहते हैं ना, कौन, द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा अमर है, अश्वत्थामा अमर है, ये दुनिया अमर है, ये पृथ्वी अमर है। तो कभी ना मरने वाला कौन होता है? अमर। जिस बालक के माँ बाप ना हो, उनके लिए तो एक अलग स्कूल भी खोल रहे हैं सरकार, है ना, उनके लिए बड़े बड़े अमीर आदमी उनके लिए बनाते हैं, ठीक है, आलय बनाते हैं ना, अनाथालय बोलते हैं। हाँ, जिनके माता पिता ना हो, क्या कहते हैं, अनाथ। वर्ष में एक बार होने वाला, वर्ष में एक बार होता है तो हमारा होता है वार्षिक, कहते हैं तो शादी हो जाए तो वार्षिक वो आ रही है, मैरिज एनिवर्सरी, है ना, वार्षिक गांठ आ रही है, ठीक है ना। उसके बाद जन्मदिन होता है तुम्हारा, वर्ष में एक बार होने वाला होता, तो क्या होता है, वार्षिक, जो भी घटना वर्ष में एक बार हो। सप्ताह में एक बार होने वाला वो होता है साप्ताहिक, क्या होता है, साप्ताहिक, जिसके आर पार देखा जा सके, वो होते हैं पारदर्शी, ओपेक। पति पत्नी का जोड़ा वो कहते हैं दंपत्ति, ठीक है ना। जो मांस खाता हो उसे कहते हैं मांसाहारी, जो अभी अभी जिसका जन्म होता है कहते हैं नवजात शिशु का जन्म हुआ, तो क्या होता है, नवजात, ठीक है ना। जो किसी से नहीं डरता उतना निडर, कहते ना जंगल में निडर है, जंगल में शेर की तरह घूम रहा, जो किसी नहीं डरता, जो ईश्वर को मानता हो वो होते आस्तिक, क्या होते हैं वो, आस्तिक, यानी कि आस्था रखने वाले। जिस स्त्री का पति मर गया हो क्या होती है, विधवा कहलाती है। जो ईश्वर को ना मानता हो वो होते हैं नास्तिक। जानने की इच्छा रखने वाला वो होता है जिज्ञासा या जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति जिज्ञासु। जिसके समान कोई दूसरा ना हो कहते हैं अद्वितीय है, अद्वितीय पराक्रम है इसके, अद्वितीय लड़का है, यानी कि इसके समान कोई दूसरा है ही नहीं। उसके बाद कह रहा है पढ़ने वाला, क्या होता है, पाठक, साथ साथ पढ़ने वाला होता है सहपाठी। आंखों के सामने होने वाला, आंखों के जो घटना सामने हो रही है वो कहते प्रत्यक्ष, कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष मतलब सामने होने वाली घटना के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो दूसरों के अधीन हो उसे बोलते हैं पराधीन। लिखने वाले होते हैं, किसी भी किताब को लिखने वाला, पोएम लिखने वाला, कुछ भी लिखने वाला, ग्रंथ लिखने वाला, क्या होते हैं, सभी के लेखक। नेक्स्ट है जो अपने अधीन हो तो कहते हैं स्वाधीन, स्वाधीन। जो काम कठिन हो तो दुष्कर, ये काम करना दुष्कर है मेरे लिए। देश विदेश में घूमने वाला उसे कहते हैं पर्यटक, कहते हैं ना हमारे यहाँ इस बार इतने पर्यटक आए, पर्यटक मतलब दूसरे देश से आने वाले हैं ना, या हम दूसरे देश में जाएंगे पर्यटक कहलाएंगे। 100 वर्ष का समय होती शताब्दी, क्या होती है, शताब्दी। उसके बाद ये कह रहा अभ्यास प्रश्नावली, क्या कह रहा है, अभ्यास प्रश्नावली, भर के दिखाते रहे बाकी आपको भर लेने। ये कह रहा जो मांस खाता हो मांसाहारी, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जो कभी किसी से नहीं डरता निडर, कभी ना मरने वाला अमर, पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति, जो काम कठिन हो दुष्कर, ठीक है ना, जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय, जो ईश्वर को मानता हो क्या कहते हैं उसे आस्तिक, देश विदेश में घूमने वाला पर्यटक, आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, ठीक है ना। इन सभी को इसमें भर लेना, एक बार पहले याद करना फिर उसके बाद भर लेना। फिर वो कह रहा है शब्द समूह के लिए सही शब्द से क्या करो, मिलान करो। अभी अभी जन्मा हो नवजात शिशु, अभी अभी पैदा हुआ भैया, क्या कर दो इसका, नवजात, ये रहा तुम्हारा नवजात। साथ साथ पढ़ने वाला, देखो साथ साथ पढ़ने वाला वो कहलाता है सहपाठी, ये रहा भैया हमारा सहपाठी। जो किसी से नहीं डरता निडर,
क्या है वो निडर, ये रहा तीसरे नंबर पे दे रखा है सीधा यहाँ पे। जिस बालक के माता पिता ना हो वो है अनाथ बालक। अनाथ बालकों के लिए बहुत सारे काम करने चाहिए हमें, है ना, उनकी देखभाल करनी चाहिए, हो सके तो हमें अनाथ आश्रम में दानदान करते रहना चाहिए। 100 वर्ष का समय होती है शताब्दी, जानने की इच्छा इच्छा होती है जिज्ञासा, ठीक है ना, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। फिर कह रहा है ध्यान परिचय अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले इन्हीं दो वाक्यांशों को लिखिए तथा उन वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी लिखिए, जो आपके 7 दिन में प्रतिदिन घटनाएं होती है वो लिखनी है, उनके लिए एक वाक्यांश एक शब्द भी लिखना है। ये आपका चैप्टर होता है यहीं पर खत्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर।